गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल निकालना सिखाएंगे। कल हमने आपको यह बताया था कि अगर 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल है तो साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक के लिए सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 90 और 180 के बीच का एंगल है तो साइन और कोसेक के लिए पॉजिटिव होगा, कितना होगा वो बात की बात है, और अदर के लिए निगेटिव होगा। ऐसे ही आपको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा ये आपको मैंने सब बताया। अब आज अभी हम आपसे बुक के लिए नहीं बात कर रहे हैं, और बुक के लिए मैंने कहा कि आप लोग जब देखिए कि जरूरत पड़ने वाली है बस जरूर, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में भी जरूरत पड़ी थी, लेकिन अभी बुक की फिर कल भी जरूरत नहीं थी और आज भी जरूरत नहीं है। कि अगर हम लोगों को फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालना है साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, कॉस 150, साइन 300, कॉस 330, ये मैंने क्वेश्चन भी अपने पास से लिख दिया। अब आपको ये काम है कि इसका आंसर देने के लिए साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपने लिख दी, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू लिखने पर आप सबसे पहला काम है कि इस 120 डिग्री को 90 डिग्री से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 30, और ये लिखा जा सकता है 1 × 90 + 30। नाइन्टी से डिवाइड करने के बाद हमेशा ऐसे लिखेंगे 1 × 90, 2 × 90, हो सकता है 3 × 90, 4 × 90, 5 × 90, 6 × 90 प्लस जो भी वैल्यू है, और ये वैल्यू जैसे ये 30 लिखी है तो ये याद रखिए ये हमेशा थीटा से लेस ही हो, सॉरी 90 डिग्री से लेस होगी। ये जो थीटा हम कह रहे बोले अभी कि ये थीटा मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये 90 से लेस होगी, 90 से ग्रेटर नहीं हो सकती है, तो आप सब लोग डिवाइड में जानते होंगे। और यहां पर मैं एज ए फार्मूला इस क्वेश्चन को कर दे रहा हूं, इफ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इज ऑड, 90 डिग्री का मल्टीपल अगर ऑड है तब हम लोग ये काम करेंगे कि साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और सेक कोसेक में, साइन कॉस में, टेन कॉट में, और सेक कोसेक में हो जाएगा। यहां पर जो साइन की वैल्यू है वो साइन चेंज होके कॉस में बदल जाएगा कॉस, और ये वाला पूरा पोर्शन ये प्लस तक ये पूरा पोर्शन गायब होके 30 डिग्री आ जाएगा, ये मेथड है। और ये वाला सिंबल बताता है साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। और यहां पर आप देखिए 120 डिग्री या 1 × 90 + 30 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाने के लिए चेक करिए। 120 डिग्री तो आपको सीधा सा पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाता दिखाई आपको दे रहा होगा, 90 से ग्रेटर और 180 से लेस, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो यहां पॉजिटिव लगा दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस रूट 3/3, और इसके बाद हम आपको एक वैल्यू और बताते हैं जिसमें आपको इसमें यह नहीं करना है कि आप फार्मूले लगाएं, लिखें कॉस 150 की वैल्यू, थर्ड वाला करा रहा पार्ट, कॉस 150 की वैल्यू आपको निकालनी है। कॉस 150 की वैल्यू ऐसे निकलेगी 1 × 90 + 60, अगर आप 150 को 90 से डिवाइड करेंगे तो यहां रिमाइंडर 60 बचेगा, और 60 बचने के बाद यह आ गया। अब इसमें 90 का मल्टीपल कितना है,
90 का मल्टीपल है ऑट, ऑट होने पर कॉस चेंज हो जाएगा साइन में और ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। 90 का मल्टीपल ऑट, इसलिए कॉस साइन में, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ये एरो भी नहीं लगाना, ये सब भी नहीं लिखना, ये तो एज ए फार्मूला मैंने आपको समझा दिया, जहां ये मैं आपको दिखा रहा हूं। साइन 60 की वैल्यू, अब ये देखिए कि कॉस 150 निकालना है ना कि साइन 60, कॉस 150 आपको निकालना है, कॉस 150, कॉस 150 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी -√3/2। अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी, पहला काम फर्स्ट 90 से डिवाइड करना है, सेकंड 90 का मल्टीपल या तो इवन होगा या ऑड होगा, ऑड होगा तो ये रूल लगाना है, थर्ड आपको ये देखना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो उसी हिसाब से यहां प्लस या माइनस बन जाएगा। इससे नहीं देखना साइन 60 से, इससे देखना है। ऐसे ही आपको साइन 300 की वैल्यू, अगर एक और बता रहा हूं मैं, और ये जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये भी आप जो छूट जाए इसमें वो करिएगा, साइन 300 की वैल्यू 90 से अगर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहली चीज आएगी साइन 90 into 30 plus 30 90 into 3 plus 30 30 9 या 27 270 plus 30 300 90 का मल्टीपल ऑड है तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में, और ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये पहुंचा, देखिए ये पहुंचा आपका 270 से ग्रेटर और 30 और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉस से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पर हम लोग नेगेटिव लगा देंगे तो ये हो जाएगा -√3/2। ये आ गया आपका, तो ये और वाले आपको मैटर समझ में आए। अब अगर क्वेश्चन में यह होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन ये हो जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 210 और टेन 240, मैं बस टू ही क्वेश्चन में आपको बता दूंगा सारी बातें। अब आप साइन 210 की वैल्यू निकालने चले, 210 तो ये हो जाएगा साइन 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करने के बाद 2 into 90 plus 30 180 plus 30, 90 का मल्टीपल इफ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इज इवन then no changing, कोई भी चेंज नहीं आएगा। 90 का मल्टीपल अगर इवन है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब साइन 2 into 90 plus 30 तो यहां साइन का साइन ही आ जाएगा और 90 का मल्टीपल अगर इवन है तो कोई चेंज ना आने के बाद ये पूरा पोर्शन फिर चला जाएगा और सिर्फ 30 रह जाएगा। और अब आपको यह देखना है 210 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, तो 2 को इसमें 90 पूरे करें, 2 into 90 और 30 डिग्री, और 30 डिग्री और हो गया, 290 पूरे करें और 30 डिग्री और हो गया, 210 आ गया। 210 जब आ गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहां माइनस आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब 10 240 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है, 10 240 की वैल्यू ये हो जाएगा 2 into 90 plus 60,
टेन टेन ही रहेगा, टेन सिक्सटी। थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, 90 से डिवाइड करा जाएगा, 90 का मल्टीपल या तो इवन होगा या ऑड होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। इवन ऑड देखते हुए 10 पहले में ही चेंज हो गया और 10 60 डिग्री आ गया, ये पूरा पोर्शन चला जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। हाँ कहेंगे सर माइनस कैसे आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, हम लोग देखेंगे इसको आगे भी अगले क्लास में। 1060 और 1060 की वैल्यू होती है रूट 3, लेकिन एक चीज है कही क्या रह गया, 90 से डिवाइड कर दिया, इवन ऑड देख लिया, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड, 180 में 60 ऐड हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे हम लोग। थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव साइन आ गया, इसलिए प्लस रूट 3 हो गई इसकी वैल्यू। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, बस वो एक अलग बात है कि 360 से ग्रेटर एंगल हो जाए वो एक और अलग बात हो सकती है कि वो एंगल 360 से ग्रेटर हो जाए, वो मैं आपको जल्दी करना सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग ध्यान दीजिए, समझिए मेरी बात और यकीन मानिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं अगर आप बार बार उसे देखेंगे तो फिर आपको बात जरूर समझ में आएगी। और बुक ले लीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं, थैंक यू।